गाइस, दिस इज अनुपमा सोलंकी, यू आर वाचिंग मी ऑन बोल्ड बॉलीवुड। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हमारे साथ है अनुपमा जी। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आपके जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस हिसाब से मतलब क्या प्रोजेक्ट्स में आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जैसे सबको मालूम है कि मेरा लास्ट शो जो था वो कुछ रीत जगत की ऐसी था सोनी टीवी पे, एंड दैट वाज अमेजिंग। और कंटेंट बहुत प्यारा था, जेडी सर का शो था तो लोगों ने वो बहुत प्यार दिया है, क्योंकि उसमें मेरा ना ही नेगेटिव था ना ही ग्रे था, पता नहीं मिक्सअप था। मतलब मज़ेदार जो एक बबली लड़की होती है और जब बदला लेने पे आती तो वो भी वैम भी बन जाती है। तो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर रहा है और वो शो बहुत अच्छा रहा है। चाहे आई थिंक मतलब 3 मंथ में हमारा वो शो बंद हो गया था, लेकिन एक होता है कि छाप छोड़ के जाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो रिलेशन बनते हैं, चाहे शो ना चलाओ लेकिन हमारे रिश्ते बहुत ही एज अ को एक्टर एज अ प्रोड्यूसर हम लोग के बहुत अच्छा बॉन्ड निकल के निकला है। ऑलराइट, सो जैसे आपने कहा कि एक मतलब जैसा भी कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर को सोशल मीडिया पे मतलब फीडबैक तो मिलता ही ऑडियंस से, तो आपका क्या फीडबैक रहा है शो से रिलेटेड? बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब एक होता है कि ये शो मतलब मेरे लिए ऐसा है कि जैसी मैं हूँ एज अ रियल लाइफ में जो मेरा गेटअप है वैसी ही मैं कुछ रीत जगत की भी मुझे दिखाया गया है। अदरवाइज जो दूसरे शोज में हम लोग साड़ी में सिंदूर में ये इतना हैवी ज्वेलरी ताकि इंसान भी ना पहचान पाए हमें, तो वैसा वाला गेटअप रहा है ऑलमोस्ट शोज में। क्योंकि जैसे मैंने विघ्नहर्ता गणेशा किया था तो उसमें पूरा माइथो एंटायर होता है, तो उसमें आपको इतना विजिबिलिटी नहीं मिलती है जो आपको एक जैसे आप हो वो मुझे कुछ रीत में मिला है। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा है सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। यस, सो जैसे आपने कहा बॉन्ड बन जाता है एक शो पे काफ़ी टाइम तक रहे हो, भले 3 महीने, तो उस बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने अभी कांटेक्ट में हैं आप, अभी कौन से कास्ट के साथ बेसिकली? देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे जान थे उसमें तो जो मेन लीड कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे उनके साथ मैं पहले से मैं जानती थी। जब हम लोग मैं SJ स्टूडियो में शूट करती थी ये है मोहब्बतें, उस टाइम पे मैं उनके सेट पे मिली थी तो तब से मैं जानती थी। तो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला था तो मैं ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो तुम आ रही हो, ओके फाइन। तो जान को मैं जानती हूँ, उनके पूरे में से अगर कहेंगे तो मैं जान को पहले से जानती हूँ, मतलब वैसा जान, लेकिन हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो वैसा वाला रहा है। बाकी सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता गया है धीरे 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 धीरे। जेडी मजेथिया सर के साथ तो ऑब्वियसली जब आपको आप एंटर नहीं करते हो शो में उससे पहले आपको कॉल पे उन्होंने चीज़ें, यस, बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर रहे हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक फैमिली वाला जो माहौल होता है प्रोडक्शन में तो वो मुझे जेडी सर के वहाँ पर भी मिला है। उन्होंने मुझे बताया भी है कि क्या मतलब कैसा चल रहा है, मतलब आप कंफर्टेबल हो, मतलब ये चीज़ें प्रोड्यूसर अगर पूछते हैं तो बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि बहुत कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हमारा एक्टर अगर आया है अभी भी आया है तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो ताकि वो इस माहौल में ढल जाए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एज अ प्रोड्यूसर अगर देखें, नहीं तो कोई बहुत सारे प्रोड्यूसर तो बात भी नहीं करते हैं कहीं, क्योंकि उनके सारे प्रोडक्शन हैंडल करता है। तो अगर प्रोड्यूसर खुद कर रहे हैं तो ये चीज़ मुझे कुछ रीत में बहुत अच्छी लगी जेडी सर की। ऑलराइट, सो अगर ये तो रहा है आपके पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आपको चांस मिले खुद से कोई एक कैरेक्टर चूज़ करना, सो कौन सा रहेगा वो करना? मैं एक्चुअली मैंने जैसे मतलब मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हैं, जैसे मैंने माइथो भी प्ले किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, मैंने पॉजिटिव भी किया है, और मैंने स्पिरिचुअल शोज जो माइथो में होते हैं वैसा भी किया है, और अभी जो मैंने स्पिरिचुअल नेचुरल शो जो होते हैं पूरा डायन में जो मेरा एक कैरेक्टर रहा है टीना दत्ता के ऑपोजिट, तो पूरा सब चीज़ मैं मुझे लगता है मैं कर चुकी हूँ। एक है जो मैं करना चाहूँगी तो वो करना चाहूँगी मैं ये डबल रोल तो मैं डबल रोल मैं सोच रही हूँ कि इस बार शायद ये ट्राई किया जाए, तो मैं कुछ ऐसा ही कुछ देख रही हूँ जो मुझे करने में भी मजा आए और पब्लिक को भी मजा आए। तो ऐसे कोई डबल रोल मूवी आपकी मनपसंद है जो आपने देखी है कि रिक्रिएट करें? ऑब्वियसली शाहरुख, ये गोविंदा जी हैं, उनकी तो भर भर के डबल रोल है, तो मुझे उनका बहुत मजा आता है। जो सैंडविच मूवी में उन्होंने डबल रोल का प्ले किया है मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है वो, तो हंसी भी बहुत आती है, तो मुझे गोविंदा मेरे स्टार्टिंग से फेवरेट रहे हैं, उनके बाद सलमान रहे हैं, तो ये दो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। और सलमान ने भी जुड़वा में वो चीज़ें की हैं बहुत डबल रोल, तो मुझे भी ऐसा लगता है अब मुझे डबल रोल कर लेना चाहिए क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सब चीज़ें प्ले कर चुकी हूँ, तो आई थिंक अब ये रह गया है जो मुझे शायद प्ले करना चाहिए। ओके,
सो जैसे आपने सलमान खान की बात की एंड वो अब बड़े रियलिटी शो से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो पता ही है हमें कि वो बिगेस्ट रियलिटी शो के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो चाहत पांडे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा बॉन्ड रहा है उनके साथ? चाहत के साथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा है क्योंकि हम इतने सालों से जानते एक दूसरे को, तो एक कनेक्शन बन जाता है। स्टार्टिंग में नहीं बनता लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो एक चीज़ें चलती हैं। और मुझे बहुत ही मतलब मेरा और उसका बोलते हैं कि फ्रेंडशिप दोनों तरफ से निभाई जाती है, तो आई थिंक दोनों तरफ से ही होता है और रहा है। उसका नेचर देख ही रहे हैं सब कैसा है, तो वैसी ही वो है और अच्छा रहा है। मतलब 5-6 साल में इतना चलना ही फ्रेंडशिप बहुत अलग चीज़ होती है एज अ मतलब आप इस फील्ड में रहने के बाद भी अच्छा रहा है बहुत। सो अगर मतलब आपको पता चल गया होगा कि अगर वो बिग बॉस में जा रही है तो आपने आपकी कुछ बात हुई उनसे? हाँ, मुझे एक्चुअली पता चलना मुझे उसी ने ही बताया था उसी ने मुझे बोला था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, और जब उसने ये चीज़ मुझे बताई थी तो मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि आपका कोई फ्रेंड आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप खुश होते हो, क्योंकि मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। हम लोगों ने साथ, मैं उसके थोड़े टाइम बाद ही आई हूँ तो मुझे मालूम है उसके कितने शोज़ चले हैं, कितने शोज़ नहीं चले हैं और कितना क्या उसका इनपुट रहा है। तो जब कोई बताता है बिग बॉस में जाना ही बहुत बड़ी बात है, तो अच्छा लगा मुझे कि चलो फाइनली तू अपने टारगेट पर पहुँच गई है और अच्छा खेल रही है, वो तो दिख ही रहा है सब। डेफिनेटली, तो उनके बारे में अगर आपको कुछ क्वालिटीज़ बतानी होंगी जो उनको जीतने में मदद करेंगे तो वो कौन सी है? देखिए, आई थिंक उसका फेस ही बहुत है। आई थिंक उसका तो फेस बहुत प्यारी दिखती है, बहुत क्यूट है वो, बेबी फेस है उसका। तो वो कितनी भी शरारतें कर ले लेकिन उसके फेस पे नहीं दिखता है तो आई थिंक वो उसका एक प्लस पॉइंट है जो उसको आगे ले जाने में। और एक जो बोली होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें वो पकड़ के चल रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसने वो चीज़ डाउन टू अर्थ रह के वो चीज़ें चल रही, मतलब अच्छा जो एक गेम स्ट्रैटेजी करके, चाहे स्ट्रैटेजी ना भी हो, ये एज अ गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन लग रही है, तो वो बहुत अच्छा प्ले कर रही है अभी तक। सो आज भी एक नया प्रोमो देखने मिला विवियन के साथ उनका, तो विवियन के साथ उनका लव हेट बॉन्ड चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये लव हेट बॉन्ड आगे जाके यही दो लोग आगे बढ़ेंगे या कुछ भी हो सकता है? मुझे लगता है कि हेट बॉन्ड ही चल रहा है, लव दिख नहीं रहा। वो लव में तो पता नहीं कैसे कुछ एक उन्होंने दिया था कि आप ऐसा बना, ऐसा स्टार, मतलब कुछ एक दिया हुआ था उन्होंने कि आप ऐसा कुछ प्ले करो, तो उस वे में दिखाया होगा जो मैंने भी देखा था विवियन। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड विवियन इज़ वेरी गुड, मतलब एज अ पर्सन जो दिखने में आ रहा है। थोड़ा बहुत तो हर शो के अकॉर्डिंग थोड़ा ढलने की कोशिश करता ही है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि यार वो ऐसे होंगे। वो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। स्टार्टिंग में ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद कहीं ना कहीं अविनाश के शेडो में आ गए हैं, जबकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे इंसान है, तो आई थिंक उन्हें बहुत ही अमेजिंग तरीके से खेलना चाहिए और वो एक लीडर की क्वालिटी रखते हैं, तो वो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग लगा था, बट आई थिंक अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। ओके, सो चाहत को अगर आपको कोई एडवाइस देनी होगी उनका गेम देखते हुए तो क्या एडवाइस होगी? वो एडवाइस आई थिंक एक ही देना चाहूँगी, जो मैं सुबह स्टार्टिंग से मैंने नोटिस भी की है कि वो जो एक होती है फ्रेंडशिप और दुश्मनी के बीच का डिफरेंस, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं। वो उसको डिफरेंस करना नहीं आता है, उसको वो सोचना चाहिए कि कौन अपने हैं और कौन दुश्मन है, तो क्लैरिटी आई थिंक रखनी चाहिए। वो रियल लाइफ में भी ऐसी है क्योंकि उसको एक अपने फ्रेंड और अपने दुश्मनों में डिफरेंस नहीं लगता और वो अपने फ्रेंड्स को लेट इट गो कर देती है कि ये तो है ही है मेरे, इनको क्या सोचना, और जो नहीं है उनको एफर्ट डालती रहती है कि वो फ्रेंड बन जाए। तो आई थिंक वो उसको थोड़ा सोचना चाहिए और वो आज नहीं तो कल सीख जाएगी, अभी चल रही होगी प्रोसेस में, और किसी किसी को लेट समझ आता है तो आई थिंक उसको तब समझ में आ जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब होता है, मतलब एक अब समझ जाओ मतलब कि क्या बोलना चाह रही हूँ, पर आ जाएगा उसको आज नहीं तो कल। लेकिन वो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है और आपकी दुश्मनी कैसी है, तो दुश्मनी को आप लेट इट गो कर सकते हो, उनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए फ्रेंडशिप। ओके, एंड अगर आपको लगता है, मतलब लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी और चाहत के सपोर्टर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली चाहत जैसा खेल रही है, जैसी है वो वैसी ही है और वैसी दिख रही है, और आई थिंक बहुत अमेजिंग प्ले कर रही है। एंड कोई एक होता है कि आप एक हर कोई स्ट्रैटेजी बनाकर आता है, आई थिंक उसने यही
एक सोच के आई होगी, और ये आई थिंक उसका प्लस पॉइंट भी है कि वो बहुत जैसी है उस तरह से खेल रही है, कोई एक्स्ट्रा मुद्दे नहीं बना रही है, कोई गाली गलोच नहीं कर रही है, किसी की बैक पिचिंग नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत हर कोई करता है लेकिन वो भी मैंने उसको करते हुए नहीं देखा है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड थिंग जो वो पकड़ के चल रही है, आई थिंक ऐसे ही चलेगी तो जनता का प्यार उसे मिल ही रहा है और आई थिंक वो जीत भी जाए। विविन के बाद उसका चांस ऑब्वियसली है। डेफिनेटली यस।